हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटिल टेरेस गार्डन। और मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक खूबसूरत प्लांट की जो मुझे लगता है थोड़ा सा दुर्लभ है। फ्रेंड्स, ये प्लांट देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है, और दुर्लभ इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स मैं इसको। आपने इसकी एक आधी लीव्स अगर देखी हैं, जैसे कि ये वाली, तो आप पहचान ही गए होंगे इस लीव्स को देख करके कि इस प्लांट का नाम डेविल स्पैगबॉर्न है। और इसकी इस तरीके की लीव्स आपने फ्रेंड्स देखी होंगी डेविल स्पैगबॉर्न में, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं इसमें कई तरीके के कलर्स आ रहे हैं डेविल स्पैगबॉर्न की। फ्रेंड्स, ये मेरे पास चौथी वेराइटी है। ऑलरेडी मेरे पास इसकी तीन वेराइटियाँ हैं, और मैं इसको फ्रेंड्स कटिंग से ही लेके आई हूँ कहीं से, और मैंने ये अपने यहाँ कटिंग से ग्रो किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हो तो चार पांच कलर हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। इसकी लीव्स देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से न्यू लीव्स आ रही हैं। इसका कलर देखिए आप, फिर इसका देखिए आप, और इसका कलर देख रहे हैं आप। इसमें मेरे ख्याल से फ्रेंड्स पांच छह कलर हैं। हल्के हल्के ग्रीन है, वाइट है, रेड है, इस तरीके से फ्रेंड्स में कई कलर हैं। और कितना खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स। मैंने ये जहाँ देखा था वहाँ ये बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ था, और खूबसूरत ट्री बना हुआ था फ्रेंड्स, और इतना खूबसूरत लग रहा था मानो कि बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं इसके अंदर। और बहुत अच्छी इसकी लीफ शाइन कर रही थी फ्रेंड्स, अलग अलग कलर की, एक आर्टिफिशियल गुलदस्ते की तरह लग रहा था फ्रेंड्स ये। और मैंने इसको जल्दी फ्रेंड्स नर्सरीज वगैरह में भी नहीं देखा है, और मैं इसकी इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं इसके पॉट के पास जा कर के फ्रेंड्स थोड़ी सी इसकी डंडी कट्स कर ली। और मैंने इसको लगभग एक महीने पहले फ्रेंड्स इस पॉट में लगाया था, एक महीना भी शायद ही हुआ है, फ्रेंड्स 25 डेज हुए हैं, और ये इतना खूबसूरती से फ्रेंड्स मेरे यहाँ कटिंग से हो गया। और ये धीरे धीरे देख रहे हैं न्यू लीव्स इसकी कितनी सारी निकल रही है, ये देखिए नई नई इसमें कितनी सारी लीव्स ऑलरेडी आ रही हैं, ये देख रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, आप भी इसको अपने गार्डन में लेके आइए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और मुझे तो लग रहा है ये जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो बेहद ब्यूटीफुल लगने वाला है फ्रेंड्स गार्डन में। इसकी खूबसूरती देखते ही बन रहा है फ्रेंड्स, इतने सारे कलर्स डेविल स्पैगबॉर्न में हैं कि फूलों का इंतज़ार। इसमें देख रहे हैं हल्का सा कहीं ये दिख रहा होगा इधर से, ये गुलाबी कलर आ रहा है ना, तो इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे कलर आते हैं एक ही प्लांट के अंदर। और इसी वजह से फ्रेंड्स इसको हम शायद अपने घर में लेके आते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, घर में लगाने योग्य है, और इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। मैंने इसकी छोटी सी डंडी लगाई थी और इजीली हो गया। पानी भी इसमें मैं एक ही बार डालती हूँ फिलहाल, अभी देख रहे हैं कितनी धूप हो रही है, के बावजूद बहुत अच्छा चल रहा है मेरे यहाँ। मुझे लगता है ये दो महीने में परफेक्ट हो जाएगा, काफ़ी ट्री का शेप ले रहा है धीरे धीरे ये पौधा, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। मेरे किसी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा भी था कि डेविल स्पैगबॉर्न की दो ही वैरायटी होती हैं, बट मैं आज उन्हें बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये डेविल स्पैगबॉर्न की चौथी वैरायटी है फ्रेंड्स मेरे पास ये, और मैं आपको एक एक करके थोड़ी सी झलक उन तीन वैरायटीज़ की दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये भी डेविल स्पैगबॉर्न की वैरायटी है, मैं आपको पहले वीडियो बना के दिखा भी चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये भी बेहद खूबसूरत प्लांट है और बहुत घना हो जाता है, और ये भी कटिंग से ही ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। एक क्वालिटी ये हो गई। और फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये भी डेविल स्पैगबॉर्न की ही वैरायटी है, मैं आपको एक साथ दिखा रही हूँ।
तीन हो गए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स चौथी वैरायटी आप ये देख ही रहे हैं, ये कॉमन पाया जाता है हर जगह और मुझे लगता है हम सबके गार्डन में ये होगा भी। ये देख रहे हैं बेहद खूबसूरत चलने वाला प्लांट है ये भी फ्रेंड्स, कटिंग से ग्रो होता है। मैंने फ़िलहाल ही में इसकी अभी कटिंग करी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि डेविल स्पैक बॉर्न की दो ही वैरायटी होती हैं फ्रेंड्स, उनके लिए स्पेशल ये प्लांट है वो देख लें फ्रेंड्स। ये चौथी वैरायटी है मेरे पास डेविल स्पैक बॉर्न की और बहुत खूबसूरत वैरायटी है और लेके आएँ अपने गार्डन में और अपने गार्डन में कलेक्शन बढ़ाएँ। और ख़ूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छे चलने वाला है। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स की वीडियो जब ये अच्छा खासा हो जाएगा मैं आपको फिर दिखाऊंगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है फ्रेंड्स आपको लाइक करें, शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे फ्रेंड्स। अच्छी जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय।